नमस्कार, आयुर्वेदामृतम चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः वैद्य गोपाल नारायण शर्मा की ओर से बहुत बहुत आपका स्वागत। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आयुर्वेद राजकीय औषधालयों में उपलब्ध निःशुल्क वितरण हेतु उपलब्ध एक ऐसी दिव्य औषधि जो कि नए प्रकार के कोई भी बुखार हो, ज्वर हो, फीवर, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। हमारे घर पर यह औषधि अवश्य होनी चाहिए। बसंत ऋतु यानी कि इस समय फरवरी मार्च अप्रैल के महीने में जो ज्वर आता है, बुखार आता है, उसके लिए यह बहुत ही अच्छी है। नाक से पानी आता है, हल्का हल्का बुखार रहता है, खांसी रहती है, गले में दर्द रहता है, हाथ पैर दुखते हैं, इस प्रकार की परेशानियों को दूर करने में यह औषधि बहुत अच्छी है। इसके विषय में थोड़ी हम चर्चा करते हैं। इसका नाम है त्रिभुवन कीर्ति रस। योग रत्नाकर के ज्वर रोगाधिकार का यह योग है और किस प्रकार इसका निर्माण होता है इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। हिंगुलम च व्योषम च टंकणम मागधी शिफाम समचूर्ण भाव ये त्रेधा सुरसार्द्रक हेम भी रसस्त्रिभुवन कीर्ति गुंजयिकार्द्र रसेन वै विनाशये ज्वरान सर्वान अनुपान विशेषतः। इसमें जो डलने वाली चीजें हैं, देखिए, हिंगुल सिन्नेबार, यह पंसारी की दुकान पे मिलता है लेकिन इसे शुद्ध करना होता है। व्योषम, व्योष कहते हैं त्रिकुटु को। त्रिकुटु को में तीन चीजें होती है, काली मिर्च यानी कि पाइपर नाइग्रम, पिप्पली यानी छोटी पीपर पाइपर लौंगम, और शुंठी यानी सौंठ यानी कि जिंजिबर ऑफिसिनेले यानी ड्राई जिंजर। तो हिंगुलम च व्योषम च टंकणम, टंकण कहते हैं सुहागे को अंग्रेजी में, जिसे बोरेक्स कहते हैं। इसे तवे पर इसका फूला बना करके हम इसका पाउडर बना ले। टंकणम माघधी शिफाम यानी पिपला मूल, इन सबको सम प्रमाण में लेके बराबर की मात्रा में लेकर के इनका बारीक चूर्ण कर ले। समचूर्ण भाव ये त्रेधा सुरसार्द्रक हेम भी, फिर इस बारीक किए हुए चूर्ण में तीन तीन बार भावना लगानी है, यानी कि इस चूर्ण को पूरा गीला कर लेना है और इसमें मर्दन करना है यानी इसकी घुटाई करनी है। तीन चीजें कौन सी है जिनसे इसका मर्दन करना है? पहले है सुरसा यानी कि तुलसी ऑसिमम सेंक्टम, इससे इसको हम इसकी घुटाई करेंगे तुलसी के रस में तीन बार। एक बार करेंगे सूख जाने पर दोबारा, फिर तीसरी बार। दूसरा अदरक के रस में, यानी कि गीला जो हमारे अदरक होता है, अदरक उसके रस में इसको तीन बार इसकी भावना देंगे, यानी कि एक बार गीला करके घुटाई करेंगे, सूखने पे दोबारा, फिर इसी प्रकार तीसरी बार। फिर तीसरी बार अंतिम बार हम धतूरे के पत्ती के रस में इसकी तीन बार इसकी भावना देंगे और फिर सूखने के बाद में अदरक के रस में इसे घोट करके और इसकी एक एक रत्ती यानी कि 125 मिलीग्राम की गोलियां बना लेंगे और सुखा लेंगे और अपने घर पर रखेंगे। जब भी बुखार, खांसी, जुकाम या मीजल्स, रोमांटिका, खसरा होता है, इसका सेवन करेंगे। इसका सेवन अदरक के रस के साथ में किया जाए, बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा वैद्य की सलाह से आप इसका विभिन्न प्रकार के रोगों में उपयोग कर सकते हैं। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो। नमस्कार।